जिले की जनता को मैं हृदय से यहां पर हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आज निश्चित रूप से जैसा कि हमारे पहले के वक्ताओं ने कहा कि यह एक धर्म युद्ध है। यह धर्म युद्ध है, इसीलिए मैंने यह श्लोक शुरू में किया कि महाभारत में जिस तरह से पांडवों कौरवों के बीच में सच्चाई और सच्चाई को खत्म करने वाली ताकत के मध्य रहता है। जबकि अगर कोई विसंगति या कोई परेशानी आती थी तो वही पड़ोसी हमसे हमारे सहयोग 24 घंटे हमारे काम में रहता था। लेकिन आज लड़ाई देश को बांटने के लिए धर्म की आड़ में जिस तरह से काम हो रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा देश दिशाहीन हो रहा है। जिस तरह से देश की आजादी के लिए हमारी कांग्रेस की विचारधारा सत्य अहिंसा के माध्यम से चली थी, उसमें क्रांतिकारी साथी भी थे और कांग्रेस के उस विचारधारा से देश में आजादी आई। सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वही परिस्थितियां देश में आज आप भाजपा के किसी एक नेता की जुबान में आपने सुना है। विकास की बात आपने, शिक्षा की बात सुनी है आपने, स्वास्थ्य की बात सुनी है? नहीं सुनी। क्योंकि धर्म की आड़ पे लोगों को कई बार बेवकूफ बनाया जा सकता है और यही काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। हमारे ही देश में अगर सुरक्षा की बात कही जाए तो कहते हैं कि जब से यह मोदी सरकार आई तो देश सुरक्षित हाथों में आ गया। साथियों, जो सरकार हमारे उन सैनिकों को 4 वर्ष का कार्यकाल देती है, जो वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से 4 वर्षों में सुदृढ़ हो पाता है देश की रक्षा के लिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 वर्षों में अगर इस तरह से युवाओं को, जब वो मानसिक रूप से परिपूर्ण होते हैं देश की सुरक्षा के लिए, आप उनको वापस बेरोजगारी में धकेल रहे हैं। आप ये सवाल भाजपा के उन लोगों से पूछिए जो आकर के हम लोगों को परगलाते हैं और हमारे साथियों को भाजपा में वोट देने के लिए कहते हैं। आप स्वास्थ्य के बारे में देखिए, जिस तरह से हमारे सतना जिले में जो फैक्ट्रियां जहर उगल रही हैं और यहाँ की जनता भोग रही है, अगर मेडिकल कॉलेज खुला है तो उससे कैंसर की यूनिट क्यों गायब हुई, ये आपको पूछना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ सतना जिले में ऐसा नेता है जो सतना जिले के इतने उद्योग लगे हुए हैं, एशिया में सतना जिला सीमेंट की यूनिट में सबसे आगे, सबसे ज्यादा यूनिट सतना जिले में, देश में नहीं एशिया में सबसे ज्यादा लगे। लेकिन आप लोगों को, कितने लोगों को यहां स्थानीय रूप में रोजगार मिला? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उद्योग अनियमितता करते हैं तो उसमें सतना जिले का सांसद कितने बार खड़ा हुआ है, कितने बार विरोध में खड़ा हुआ है? क्योंकि कमीशन खोरी में उसका जवान बंद है। वही दूसरी तरफ हमारे भाई सिद्धार्थ कुशवाहा, वो कभी उद्योगपतियों के सामने दबे नहीं, आम जनता के हित के लिए हमेशा उसके सामने खड़े होते हैं, टकराते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस 5 वर्ष के कार्यकाल में जो सतना विधान
सभा में कार्य हुए, बड़े ईमानदारी के साथ और कांग्रेस के सिर ऊंचा करने के लिए बप्पू भैया ने पूरे ईमानदारी के साथ सतना का। और आपको बता दूं, इतनी तैयार है, जो कहते हैं ना कि मूवमेंट साइलेंट चल रहा है, कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि अंदर ही अंदर पूरी तरह से फैसला हो चुका है। अब इस फैसले को हम कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ स्तर पर जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से